नाजरीन, इसी भी शहर की तरक्की और खूबसूरती का राज उसके निकासी आब और सीवरेज के सिस्टम पर बढ़ता है। आज हम बात करेंगे पिंडी बटिया के इस निजाम के बारे में। पिंडी बटिया के तमाम गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लाह ताला पिंडी बटिया के पंजाब के जिले के सरपरस्त दादा कसम भट्ट साहब, जो आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो बताइए जरा पिंडी बटिया में जो गलियों और बाजारों की हालत है, उस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सीबीसी न्यूज़ के स्टूडियो में मुझे बुलाया और इलाके की ये जो गंदगी का जो मसला है, ये बड़ा दायरा और बड़ा पुराना मसला है। रोज़ाना कोई ना कोई जो है वो पोस्ट जो है वो साफी भाई भेजते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो है ना ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे इलाके में जहाँ भी आप चले जाएँ, किसी गली पे, किसी सड़क पे, किसी मोहल्ले में, तो वहाँ आपको पानी ही मिलेगा या तालाब का जो है वो मंजर पेश हो। अच्छा, ये भी बता रहे हैं हमारे नाज़रीन को और इंतजामिया को ये बात भी आगाह कर रहे हैं कि इंतजामिया को इस मामले में कौन से इकदाम करने की जरूरत है कि शहर में बेहतरी आ सके। ये तो बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा ही मुख्तर ये है कि इंतजामिया को चाहिए कि जो सफाई करने वाले लोग हैं उनका चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जब आप उनको चेक करने में पता होगा कि आज हमें जो है वो चेक इंतजामिया हमें चेक कर रही है या हमले वाले हमें चेक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं है कि वो सफाई वाले सफाई ना करे। अब वो उनकी मर्जी होती है, वो जुमेरा हाथ को आते हैं लोगों से पैसे लेने के लिए, उसकी सफाई कर जाते हैं या मुझसे जगह जो है वो रोजाना के बेस पे वो सफाई करते हैं। बाकी मोहल्लों में गलियों में आप हसनपुर की तरफ चले जाएं, आप शोशा की तरफ चले जाएं, आप किसी की तरफ अली टोल की तरफ चले जाएं, आपको बाजारों में आपको गंदा और पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात जो वो मेरे जहन में आ रही है कि हम भी एक शहर हैं, हमें तो शहर ही अपने कौन से फर्ज जो अदा करने हैं कि इसमें भी देखा जा सके। हाँ जी, आप बड़ा अच्छा सवाल किए। ये सबसे पहले तो ये हम पे जिम्मेदारी है कि ये शहर और ये मुल्क ये हमारा है, अगर हम खुद ही इसकी सफाई नहीं करेंगे। अब देखिए ना, मैंने अक्सर देखा है बाहर जाते हुए कि अलाइट जो बैंक है इसका सारा पानी वो सड़क के ऊपर फेंक देते हैं, गवर्नमेंट वाले वो सारा पानी जो है वो सड़क के ऊपर फेंक देते हैं, और गली मोहल्लों में आओ मोहल्लों में आ जाए तो हमारी खवातीन जो है शापर से जिंदगी का खड़ा किया और बगल में फेंक दिया। अगर हम यही चीज़ जो है वो शापर को बड़े आराम से घर में हमारे डब्बे होते हैं, हमारे कूड़ादान होते हैं, उसमें रख दें तो सफाई करने वाला आके आगे ले जाएगा। तो मेरा ख्याल में यही शहर है, अगर हम उसको नाले में फेंकेंगे, गटर में फेंकेंगे या बड़े नाले में फेंकेंगे, तो ये तो इंतजामिया के लिए मसला होगा और हमारा अच्छा चल सी बात है कि अपना गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, इस मौसम में डेंगू और मच्छर की पैदाइश भी हो जाएगी और उस वाले से जो शहर की हालत है वो बहुत ही गंदी है, गलियों बाजारों में पानी खड़ा है। एक तरफ तो हुकूमत का यह है कि पानी खड़ा ना होने दें, दूसरी तरफ ये गलियों और बाजार में नाला का मामला पेश कर रहे हैं, तो इसमें तो डेंगू की पैदाइश जो बेतहाशा होगी, ये सेवाओं में बाहर होगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये देखिए ये तो बहुत बड़ा मसला है, आगे भी जब क्या मौसम शुरू हो जा रहा है कि मच्छर वगैरह आना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे भी गंदा पानी होगा, जहाँ पे भी पानी खड़ा होगा, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो है बच्चों का मसला है। अब गवर्नमेंट जो है स्कूलों में तो डिग्री के लिए मेरा ख्याल छुट्टियों में भी उन्होंने टीचर्स को जो है ड्यूटी लगाई कि पानी का कराना हो, सफाई रखें, लेकिन अपने शहरों में या गलियों में या सड़कों के ऊपर वो कभी तो वजह नहीं देते। सारा जो मसला है गवर्नमेंट के स्कूलों के ऊपर ही है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्कूल में भी चले जाएंगे आपको खूबसूरत आपको साफ सुथरा, लेकिन बाहर सड़कों का मसला जो है वो हमारे मस्जिद वाले हैं वो आते भी हैं खजाना भी डूबी ली और चले गए। बाकी जो इंतजामिया सफाई का भी है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये आने वाला जो कदम है मच्छर, एक तो स्प्रे करें,
दूसरे नंबर पर जहां पर लिखा हो मेरा ख्याल में हर चीज अवेलेबल है, मशीनरी है, हर चीज जो है उसको इस्तेमाल करके भी अच्छा लगेगा हमसे। जी बहुत शुक्रिया जनाब दादा प्रसाद पाठक साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, जिन्होंने शहर की इस मुद्दे पर गुफ्तगू की और ये एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।